नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग विनिंग फॉर्मूला। तो इसमें मैं ऐसे कुछ सीरियस हमेशा एक टॉपिक का डिस्कशन करूँगा हर एक वीडियो में, कि जो हमें इंट्राडे में हमें जीत की तरफ ले जाए ना, तो लूजिंग पोजिशन तक ओवरऑल लॉस ना हो हमारा। तो आज ही हम बात करेंगे कि भाई रियलिटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर्स, ठीक है? क्योंकि जितने भी लोग नए हैं मार्केट में, जो बिगिनर्स है या तो जिन्हें कभी ट्रेड ही नहीं किया या तो उनका बहुत कम एक्सपीरियंस है, तो वो लोग एक जो कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का और टेक्निकल इंडिकेटर्स का, उस वो आपको बहुत मार्केट में दिखने को मिलेगा। टेक्निकल एनालिसिस पे काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई है, टेक्निकल एनालिसिस पे आपको हजारों वीडियोस भी मिलेंगे, और टेक्निकल एनालिसिस के कई सारे कोर्सेज होते हैं और कई सारे सेमिनार्स भी होते हैं, राइट? और एक तरह से देखने जाए तो कई बार क्या होता है कि जो लोग एक्सपीरियंस है, अगर मैं थोड़ा उनको अटेंशन दूँ तो वो मेरे साथ एग्री होंगे कि कई बार ऐसा लगता है कि जो मार्केट में जो ट्रेडर है वो टेक्निकल एनालिसिस से ऑब्सेस्ड है, ऐसा भी बोल सकते हैं, और कई लोग तो बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड होते हैं, ठीक है? तो थोड़ा एक रियलिटी एक चेक कर लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस सही में कितना यूजफुल है, कितनी हद तक उसे यूज़ किया जाना चाहिए, और क्या रियलिटी है टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर की, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को दोस्तों, कि जब भी आप एक अगर गूगल में चले जाते हैं फटाफट अपने, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, तो ऑन द स्पॉट ही क्या होगा कि काफ़ी सारे मुझे लिंक आ जाएगी, काफ़ी सारी मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ से ही मिल जाएगी, ठीक है? और मुझे इसके बारे में काफ़ी सारा इसमें नॉलेज हासिल हो सकता है। अगर आप सिर्फ ये विकिपीडिया के एक पेज पढ़ो तो भी इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, अभी इसमें कितना एडवांस डेवलपमेंट हो रहा है, कौन से इसमें चीज़ें आती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं जल्दी से थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें जैसे कि हर एक चीज़ प्राइस और प्राइस के मूवमेंट पे डिपेंड होती है, और प्राइस और उसके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए काफ़ी सारे इंडिकेटर्स इसमें होते हैं, राइट? चार्ट पैटर्न आएगा, ब्रोकआउट रेंज आएगा, एवरेज टू प्राइस आएगी, साइकिल्स होंगे, डेड बाउंस होने का, इलियट वेव की एक थियरी है, गोल्डन रेशियो, फिबोनाची है, मोमेंटम है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, फिर जो अलग अलग चार्ट होते हैं, राइट दोस्तों? तो चार्ट का सब एग्जांपल है, कैंडल स्टिंग है, ओ एच एल सी है, पॉइंट एंड फिगर है, फिर ओवरले से चैनल, इचिमोकू, बोलिंजर बैंड, स्पाइवोट, पैराबोलिक, ऐसा ब्रेथ इंडिकेटर्स है जो आर एस आई है, एम एस सी डी है, कमोडिटी चैनल है, सब कुछ आ गया, राइट? यही एक होता है जो नॉर्मल जो बंदा टेक्निकल एनालिसिस जानता है वो पूरा दिन काफ़ी सारा एनालिसिस यही करता रहता है, ठीक है? तो ये इसका मैंने सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू बता दिया, अगर जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है उनके लिए, ठीक है? तो एक बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, जितने लोग बिगिनर से या एक्सपीरियंस है, मैं उनसे बहुत एक बड़ा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस सबसे पहले तो कितनी देर में, कितने टाइम में सीखा जा सकता है, सबसे पहले तो मैं वो क्वेश्चन करना चाहता हूँ। और ये क्वेश्चन करने का एक बहुत सीरियस रीज़न है मेरे पास, क्योंकि काफ़ी सारे मैं सेमिनार्स देखता हूँ कि वो सिर्फ एक दिन के होते हैं, वो सिर्फ 2 दिन के होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के सेमिनार, कई सेमिनार्स वीक के होते हैं, एक वीक के होते हैं सेमिनार्स, ठीक है, 2 वीक के होते हैं सेमिनार्स, ठीक है, और ज़्यादातर सेमिनार्स से 2 वीक के भी नहीं होते एक्चुअली, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और उसमें बहुत सारी फीस होती है, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 तक की फीस देखी हुई है मैंने। और उसमें वो लोग गारंटी देते हैं कि आप सीख जाओगे, ये होगा, वो होगा, ठीक है, और लोग अटेंड भी करते हैं। तो मैं कोई चीज़ कंक्लूड नहीं करना चाहता, ठीक है, पर मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, उसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है? तो देखिए, तो एक साइट है, ये बहुत अच्छी साइट है, जब भी मुझे कुछ जानना होता है तो मैं इस साइट का काफ़ी सारा यूज़ करता हूँ, एक साइट का नाम है स्टॉक्स चार्ट्स डॉट कॉम, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं,
जिसका नाम है कि भाई एक इंडिकेटर, एक ब्रेथ इंडिकेटर है ओवरल है, जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जो लोग एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत भी जानते हैं टेक्निकल लेंस के बारे में, उनके लिए बहुत सिंपल होगा कि RSI क्या है। वो लोग काफ़ी सारे लोग यूज़ भी करते हैं, पर जो लोग बिगिनर है, जो नहीं जानते, उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अगर आगे का बोल रहा हूँ तो। पर सभी अब एग्जाम्पल के लिए जान लीजिए कि एक ओवरले आता है, एक इंडिकेटर आता है जिसका नाम है RSI। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि RSI किसने फाइंड किया। ठीक है, मेरा एक बेस, कोई मुझे कोई इंडिकेटर बताते तो मेरा नेचुरल क्वेश्चन होता है कि किसने फाइंड किया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि डेवलप बाय जे वेल्स वाइडर, तो मैं उस बंदे के बारे में सब कुछ जान लेता हूँ सबसे पहले तो, कि वो ट्रेडर था कि नहीं था, क्या वो बैंकिंग इन्वेस्टर था, क्या उसकी लाइफ रही थी ट्रेडिंग में, क्यों उसने ये इंडिकेटर फाइंड किया, उसका एक पर्सनल विजन क्या था ये इंडिकेटर के पीछे। ये सब चीज़ें तो आपको इसके ये साइट में से भी नहीं मिलेंगे, ये तो मुझे गूगल करके जानना पड़ेगा कि ये सब क्या था, क्यों हुआ। फिर मैं ये जानूंगा कि इस इंडिकेटर का एक्चुअली एम क्या है, फिर मैं जानूंगा कि ये कैसे बना हुआ है, इसमें मैथ्स यूज़ किया गया है, स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया गया है, और कुछ यूज़ किया गया है, क्या ये पास्ट प्राइस पे डिपेंड है, क्या ये फ्यूचर प्राइस पे डिपेंड है, क्या ये प्रेजेंट प्राइस पे डिपेंड है, क्या उसको एवरेज आउट किया गया है, क्योंकि मुझे इसके लिए मुझे कम से कम 20-25 चीज़ों का आंसर मिलने चाहिए। ठीक है, तो एक थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई डेवलप बाय जे वेल्स वाइडर, RSI इज अ मोमेंटम ऑसिलेटर। तो ये मुझे पता चल गया, ऑसिलेटर मतलब दो पॉइंट के बीच में घूमना, और ये मोमेंटम ऑसिलेटर है दैट मेजर द स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट। देखो पहला स्टेटमेंट कितना सिंपल है, इट्स अ मोमेंटम ऑसिलेटर दैट मेजर्स स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट। वहां पे डेल्टा आ गया स्टैटिस्टिक का, कि जो चेंज है ना, चेंज उसको मेजर करने के लिए, उसके मोमेंटम को मेजर करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले तो ये जान लो, RSI ऑसिलेट्स बिटवीन 0 to 100। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन करना है क्यों 0 to 100, तो वो आगे आंसर पता चलेगा। ट्रेडिशनली एंड अकॉर्डिंग टू RSI इज कंसिडर ओवर बोट वेन इट्स अबोव 70 एंड ओवरसोल्ड वेन बिलो 30। यहाँ पे एक मिनट अपने स्टॉप ले लेते हैं। इसने पहली दूसरी लाइन में क्या बता दिया कि RSI है, ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है कि जैसे ही 70 के ऊपर जाए तो ओवरबॉट जोन है, जैसे ही 30 के नीचे जाए तो ओवरसोल्ड है। मैं जितने मार्केट में जितने टेक्निकल एनालिस्ट को मिलता हूँ, जितने ट्रेडर्स को मिलता हूँ, वो इसी फंडामेंटल पे काम करते हैं काफ़ी सारे लोग, ओवरबॉट ओवरसोल्ड। ठीक है, क्योंकि उनका जो नॉलेज है वो वही चीज़ के लिए लिमिटेड है। और मैं बताऊँ, काफ़ी सारी बार मार्केट आपके साथ क्या करेगा बताएं, आपको लगेगा ना कि ये RSI के बेस पे आप ट्रेड कर रहे हो, ओवरबोट होता है ना उसके ऊपर ही मार्केट कंटिन्यूस जाएगा और ओवरसोल्ड के नीचे भी मार्केट कंटिन्यूस जाएगा, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गए, लॉस होगा, सब कुछ होगा। इसका रीज़न क्या है दोस्तों पता है, क्योंकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि जैसे RSI की, वो वहीं तक आके रुक जाती है कि 70-30। हाँ, हमें सिर्फ इतना बता दो कि बाई कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, ये इंडिकेटर क्या है, ये किसने डेवलप किया, वो बंदे का विजन क्या था, ये कौन से ईयर में बना हुआ है, इसका बैकग्राउंड क्या है इस इंडिकेटर का, इसके फ्लोज क्या है इंडिकेटर के। तो अगर आप देखो तो 1978 के अराउंड इसकी बात की गई थी, और इसका एक कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि RSI इज इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइड बाई 1 प्लस RS, वेयर RS इज इक्वल टू एवरेज गेन डिवाइड बाई एवरेज लॉस। RSI कैलकुलेशन इज 14 पीरियड, तो ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि 14 क्या है। फिर इसमें एवरेज गेन की बात की गई, तो फर्स्ट एवरेज गेन इज इक्वल टू सम ऑफ गेन्स ओवर द पास्ट 14 डेज डिवाइड बाई 14, फर्स्ट एवरेज लॉस इज इक्वल टू सम ऑफ लॉसेस ओवर द पास्ट 14 डेज डिवाइड बाई 14। ठीक है, तो अगर आप देखो कि कितने लोगों को, आप अपने साथ एक ऑनेस्ट क्वेश्चन करना कि अगर आप एक्सपर्ट भी हो, अगर आपको एक्सपीरियंस भी है, तो सिर्फ यहीं तक की बात है, मैं तो सिर्फ यहीं तक का बोल रहा हूँ, कितने लोगों को RSI के बारे में इतना भी नॉलेज था कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और तो हमें पूरा पेज इसके बारे में पढ़ना है, पूरा एक एक्सेल सीट लेके ये नंबर कैसे आते हैं वो भी कैलकुलेशन करके यहाँ पे बताया गया है। फिर 14 डे के बारे में भी बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
अब ये देख लो, फिर ओवरबोर्ड और ओवरसोल्ड जोन क्या है उसका भी बहुत डिटेल एनालिसिस दिया गया है। जो डाइवर्जेंस का कंसेप्ट है वो भी बहुत अच्छी तरह से इस यहाँ पे डिस्कस किया गया एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो मैं ये देखो फिर से ये सब कैलकुलेशन आप लोग देख लो, ठीक है। मेरा यहाँ पे कहने का क्या रीजन है कि भाई मैं अगर RSI सिर्फ स्टडी करना आज के दिन से स्टार्ट करूँ ना, तो भी मुझे इसको समझने के लिए, इसका एम जानने के लिए, इसको एनालिसिस करने में कम से कम मुझे 15 से 25 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इतना इसमें मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर मैं इसको समझूंगा डेली बेसिस पे, फिर मैं उसके काफ़ी सारे चार्ट्स का एनालिसिस करूंगा, फिर मैं ये जानूंगा कि सही में ये इंडिकेटर क्या है, वो किस तरह से रिस्पोंड कर रहा है इवन लाइव मार्केट में, और क्या इसके फ्लोज हैं, क्या इस पे मनी लगा सकते हैं, और कहाँ कहाँ के पे ये सही जाएगा, कहाँ कहाँ पे ये गलत होगा। तो मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि भाई जो लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि पूरा टेक्निकल एनालिसिस में 2 घंटे में सीख जाओगे, 2 वीक में सीख जाओगे, 1 वीक में सीख जाओगे, तो मेरी वो समझ के बाहर है, क्योंकि एक इंडिकेटर ले लो उसके बारे में ही जानने के लिए, सिर्फ जानने के लिए ही आपको 15-20 दिन लग जाएंगे, उसको एनालिसिस करने में तो 1-2 महीना। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कोई एक इंडिकेटर है वही एक्सपीरियंस करने के लिए आपको 2-3 महीने की ज़रूरत है। तो आप सब लोग जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में तो कम से कम अगर टॉप इंडिकेटर मानू तो भी 20-25 तो टॉप इंडिकेटर्स के जो मार्केट में यूज होते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। और अभी तो मैं सिर्फ इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, मैं चार्टिंग पे तो आया ही नहीं हूँ, मैं काफ़ी सारे रेशियोज है उस पर तो आया ही नहीं हूँ, काफ़ी सारी मेथड्स है टेक्निकल एनालिसिस में उसके पे तो आया ही नहीं हूँ, मैं प्राइसेस पे तो भी फोकस ही नहीं कर रहा, मैं वॉल्यूम पे फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। अगर चार्ट की बात करें तो वो तो एक बहुत अलग जोन है, ठीक है। तो मैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस के तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता नहीं चला कि टेक्निकल एनालिसिस ये जो बहुत एक सीरियस कॉन्सेप्ट है कि उसको सिर्फ जानने के लिए, उसके बारे में उसको सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए अच्छी तरह से मुझे कम से कम 1-2 साल चाहिए, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और उसमें एक्सपर्टाइज होने के लिए तो मुझे काफ़ी सारा टाइम चाहिए। तो वो कैसे उसमें सर्टिफिकेशन 1 वीक 2 वीक 2 दिन में मिल सकता है, वो मेरी समझ के बाहर है, ठीक है। फिर एक जैसे कि MACD को लोग बोलते हैं, कोई MACD बोलते हैं, तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देख, डेवलप बाय जेरार एपल इन लेट 70, तो ये लेट 70 का इंडिकेटर है। तो मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, तो ये भी पता होना चाहिए कि कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, ओसिलेटर का मीनिंग क्या होता है। द MACD टर्न्स 2 ट्रेंडिंग फॉलोइंग इंडिकेटर मूविंग एवरेजेस इनटू अ मोमेंटम ओसिलेटर बाय सबट्रैक्टिंग द लॉन्गर मूविंग एवरेज फ्रॉम द शॉर्टेड मूविंग एवरेज। तो ये भी पता होना चाहिए कि भाई ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ी भाई, कि लॉन्गर मूविंग एवरेज को माइनस कर दिया शॉर्टेड मूविंग एवरेज से, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट MACD ऑफर्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, ट्रेंड फॉलोइंग एंड मोमेंटम। तो ये पता चला कि भाई इसको फाइंड, इस फाउंडेशन क्या था, और ये 70s का इंडिकेटर है, तो क्या अभी के मार्केट के लिए इसको स्मूथ आउट करना ज़रूरी है कि नहीं है। हम जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस बिहेवियर साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, लोग जैसा ही बिहेव करते हैं ऐसा ही करेंगे, पर ये 70s का इंडिकेटर है, क्या इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका भी कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिए कि कैसा कैलकुलेशन है, देख लीजिए आप। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका भी यूज़ किया हुआ है, तो वो भी हमको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या है, उसमें से ये क्यों ऐसा ही पीरियड लिया हुआ है, 12, 26, 9 का पीरियड लिया गया है, ऐसा क्यों है भाई, ठीक है। पूरे ये पेज के थ्रू जा सकते हैं, और ये देखो यहाँ पे देखो बुलिश सिग्नल कैसे बनता है उसका कैलकुलेशन है, बेरिश सिग्नल कैसे बनता है उसका कैलकुलेशन है। तो मैं खुद अगर एक सीरीज चालू करूँ ना टेक्निकल इंडिकेटर के, और उसमें RSI या MACD लूँ ना, तो मुझे कितने घंटों का वीडियो बनाना पड़े, ठीक है, तब जाके पता चलता कि इंडिकेटर क्या है। अगर आगे अगर आप आगे पढ़ोगे, जैसे कि देखें
बोलिंजर बेंस काफी सारे अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो इसके बारे में आपको आप अगर जाने ना, जैसे कि यही साइट साइट ले लेते हैं स्टॉक चार्ट्स की, तो इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन बोलिंगर। देखा तो इस बंदे के बारे में सबसे पहले तो मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, ठीक है, कि भाई ये क्या था। तो क्या बोल रहा है कि बोलिंजर बैंड्स आर वोलाटिलिटी बैंड्स प्लेस अबव एंड बिलो अ मूविंग एवरेज। तो पहले तो मूविंग एवरेज जानी पड़ेगी, फिर वोलाटिलिटी क्या है उसके आजू बाजू ये रखते हैं। वोलाटिलिटी इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट आ गया। विच चेंजेस एज वोलाटिलिटी इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेस, देखो तो उसका कैलकुलेशन क्या हुआ है, देखो कि अपर बैंड लोअर बैंड मिडल, ठीक। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे एक मैं स्टॉक देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि रिलायंस को देख लेते हैं अपने, ठीक है। रिलायंस का जैसे मैं देख रहा हूँ 2 महीने का चार्ट और डेली बेसिस पे देख रहा हूँ, कैंडलस्टिक का चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया लोअर इंडिकेटर्स अपर लो, ठीक है, अपर ओवरलेस। RSI जो हमने बात की 14 का पीरियड वाला, उसको अपडेट करते हैं यहाँ पर। देखा तो ये क्या ओवरबॉट ज्वाइन हो गया, तो उसके ऊपर तो मार्केट गया है कि नहीं गया, ठीक है। तो काफी सारी चीज है, फिर जैसे ये है कि भाई अपर ओवरलेस है जिसमें बोलिंजर बैंड देख लेते हैं, ठीक है। ये मिडल आ गया, अपर आ गया, लोअर आ गया, इसका एक्सप्रेशन यहाँ से मिलेगा। तो जनरली लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये बोलिंजर बैंड किसने फाइंड किया, क्यों फाइंड किया, वो बंदे का एम क्या था वो बंदे, क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ हर एक बंदे की जो ट्रेडिंग स्टाइल होती है ना वो बहुत अलग अलग होती है, साइकोलॉजी अलग अलग होती है, इमोशन अलग होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट अलग होते हैं। जिस तरह से मैं मार्केट को अप्रोच करता हूँ उसी तरह से आप लोग भी मार्केट अप्रोच करें वो जरूरी नहीं है, ये एक्चुअली डिफरेंट ही होता है, और एक्चुअली तभी तो मार्केट में प्रॉफिट और लॉस होगा, ठीक है। तो हमें ये सब इस तरह से यूज नहीं करना है कि ये कोई मैजिक है या फिर कोई एक शॉर्टकट तरीका है, आपको सब कुछ जानना पड़ेगा इसके बारे में, नहीं चलेगा वरना। ठीक है दोस्तों, तो क्या टेक्निक लेना चार्ट, अगर चार्ट की बात लेते हैं एक और चीज है कि जो जैसे कि यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक रखा हुआ है, तो कैंडलस्टिक चार्टिंग को भी समझने के लिए आपको काफी सारा टाइम देना पड़ेगा, 3 महीने 6 महीने लग जाएंगे। कुछ पैटर्न्स सिर्फ डिटेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, काफी सारी चीज उसको रियल मार्केट में टेस्ट करनी पड़ती है। अगर इतना ईजी होता तो हर कोई पैसा बना लेता ना कि ये 5 पैटर्न लर्न कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। कोई आप अगर सीरियस ट्रेडर से मिलते हो आप लोग जिनका सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत जेन्युइन तरीके से उन्होंने ट्रेड किया है, तो काफ़ी सारा है उनका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का है निचोड़ है, वो आपको 2 या 3 स्ट्रेटेजीज दे देंगे और काफ़ी सारे पैटर्न दे देंगे, और वो उनके सालों के एक्सपीरियंस से काफ़ी जगह से ठोकर खा खा के लॉस कर करके एक एक्सपीरियंस के गो थ्रू करके उन लोगों ने बनाई हुई है। तो काफी सारी बार क्या होगा कि वो सब चीजें हाथ में आने के बाद भी कई बार अच्छी तरह से प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि हर एक चीज के पीछे एक मीनिंग, एक साइकोलॉजी होती है कि इमोशन प्ले आउट होता है, वो मिस आउट हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट मोर अबाउट कि आपके पास एक अच्छी कार है या एक बुरी कार है, कि आप एक मारुति की एक कार चला रहे हो कि फोर्ड की कार चला रहे हो, चलाने वाला कौन है वो भी तो मैटर करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप ये सब कुछ ध्यान रखिए, लर्न कीजिए, पर हर एक लर्निंग के फ्लॉज होते हैं वो भी ध्यान में रखिए, और 360 डिग्री से आप लर्न कीजिए और सीखने के लिए लर्न करिए, सिर्फ पैसा कमाना है इसलिए मत लर्न करिए, क्योंकि वहाँ पे अगर एम मोटिव रखोगे ना तो आप कभी लर्न कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं एट द एंड ऑफ द डे ये कंक्लूड करता हूँ कि अगर आपको कोई बोलता है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस 2 दिन में सीख लो, 2 वीक में सीख लो, 1 मंथ में, तो आपको ये सब क्वेश्चंस होने चाहिए कि ये कैसे पॉसिबल है यार, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। और अगर आप सीख रहे हो
तो आसानी से स्टेप बाय स्टेप आप इंडिविजुअली भी सीख सकते हो। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं खुद एक कहना की वीडियो सीरीज स्टार्ट करके आपके बार आपके साथ एक बहुत टूज पॉइंट नॉलेज शेयर भी करूंगा इसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत बहुत काम आया होगा। दूसरी चीज़ है कि जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं, इंट्राडे मास्टर, सेविंग स्विंग मास्टर, बैंक निफ्टी मास्टर, निफ्टी मास्टर। उसकी फिर टोकन फी है 1000 रुपीज़ की, जिसमें आपको कॉल्स दिए जाएंगे, स्ट्रेटेजी बेस्ड कॉल्स। और ऑल ओवर इंडिया में से इसको काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप मेरे थ्रू ट्रेड भी कर सकते हो, और इस प्रोग्राम का नाम है ब्रोकर इज मेंटर। तो मैं आपके अकाउंट पे वॉच रखूंगा, आपको पोजीशन बेस गाइडेंस देता रहूंगा, आप एक्शन प्लान फॉलो करेंगे, और जहाँ जहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं दूंगा। तो काफ़ी सारी जो लिंक्स है रिक्वायर्ड लिंक एप्लीकेशन की वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन हो तो इस ईमेल एड्रेस पर आप लिख भी सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच ये वीडियोज़ देखने के लिए। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। हमेशा ये एम रहेगा कि प्रॉफिट पर्पज़ और पेशेंट का, ठीक है। Thank you so much.